हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ नए चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने क्लास टेंथ की है ना, क्लास टेंथ की यूके बोर्ड वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स के, ठीक है, वो लेके आया हूँ। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपकी दो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 तक जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको बता दिए थे, ठीक है। इस वीडियो में जो है ना, आपके 2019 से 23 के बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे हर बार रिपीट होते हैं आपके, ठीक। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन जैसे ये है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर आपको बताना है, तो इरैशनल नंबर आपको बताना है अपरिमेय, तो इसमें कौन सा होगा, रूट वाली जो वैल्यू होती है जिनका है ना, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर नहीं अपरिमेय हो जाएगी। द्विघात समीकरण, तो इसकी घात कितनी होती है, डिग्री कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होता है कि एक पासे को हम मतलब जो आपका एक क्या होता है पासा होता है, ठीक है, उसको अगर हम फेंकते हैं तो उसमें एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है ना, जब हम एक डाइक को रैंडमली थ्रो करते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है ऑड नंबर आने की, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आएगा। ये क्वेश्चन आपका, ये भी प्रोबेबिलिटीज है, देखो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, तो वहाँ से आपके दो या तीन क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होता है आपका, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। आप सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, देखो फिर से ये आपका प्रोबेबिलिटी से आ गया है ना, ये ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन होता है, कार्ड वाला, उसका एक क्वेश्चन करके जाना आप लोग, ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये। ये भी देखो प्रोबेबिलिटी से बॉल वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ये मैंने कल भी आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था √5, √3 है ना, √7 आ गया जैसे यहाँ पे, तो इन सब का ना आंसर सेम ही होता है, बस वैल्यू बस ये आपको रखना होता है वहाँ पे, ये लिखना होता है रूट, जैसे √5 आ गया तो वहाँ पे √5 आएगा, √3 आ गया तो वहाँ पे √3 आएगा, बाकी लिखने का तरीका क्या होता है सबका सेम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इसने आना ही आना है आपका, ठीक है। LCM और SCF का भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कल कि ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक। ये आपका देखो, ये क्वेश्चन बहुलक निकालने का, ठीक है, यानी आपको क्या निकालना है, इसमें मॉड निकालना है, तो ये मॉड निकालने वाला क्वेश्चन भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार रिपीट होता है मॉड निकालने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब 8th चैप्टर में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो यही वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ठीक है, और एक वो 1 + sin A वाला अपॉन 1 - sin A कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, वो भी सबसे ज़्यादा आता है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, मीन निकालने के लिए आएगा, आपको इन सबको प्लस करके जितने भी नंबर होंगे उतने से डिवाइड कर देना है, तो इसका मीन निकल जाए, माध्य निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये आता है माध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये आपकी जो है डेरिवेशंस वो थ्योरम है, ये थ्योरम आती है आपकी किससे, सर्कल वाले चैप्टर से, ठीक है, कि किसी बाह्य बिंदु से अगर हम वृत्त में जो क्या कर खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो उनकी लंबाई बराबर होती है ना, यानी जो हम टेंजेंट डालते हैं यहाँ से इनकी जो लेंथ होती है इक्वल होती है, वो प्रूव करना है आपको यहाँ पे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ये रूट्स निकालने के लिए आएगा आपके पास, एक क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं हम, ठीक है, तो इन्फिनिटी टेंजेंट लाइन हो सकती है आपकी, तो ये आपका आ सकता है, ठीक है। जो इवेंट श्योर इवेंट जो होते हैं, यानी जिनकी होने की घटना है, मतलब ऐसे इवेंट जिन जो होंगे होंगे यानी श्योर है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा आंसर। बाकी ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th चैप्टर से आता है, ठीक है। ये LCM SCF वाला मैंने कल भी बताया था आपको, देखो ये रिपीट हो गया 3 नंबर में, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और 3 नंबर आपके आ जाएंगे। LCM SCF तो सबको आता होगा निकालने, तो वैसे इसमें एक बार इसको देख के चल जाना, 3 नंबर आपके फिक्स है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखो √5 वाला बताया था, आएगा ही आएगा, ठीक है। ये कल भी बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था 1/4 और -1/4 है ना, वहाँ पे ये वैल्यू थी और यहाँ पे 0 √5 करना सेम ही है, बस वैल्यू ये यहाँ पे ही आएगी आपकी, ठीक है। ये भी मैंने कल बताया था, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूला पे ये लगेगा, ये वाला क्वेश्चन भी बताया था,
इक्विडिस्टेंस वाला। तो ये 7 चैप्टर के देखो 2 क्वेश्चन लगातार आ गए, 21 और 22 है ना, और 7 चैप्टर से ही। मैंने कल बताया था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 और 3 6 नंबर, मतलब तुरंत 7 चैप्टर से 7 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। और देखो सारे आपके बुक के क्वेश्चन है, कोई बाहर से भी नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल बताया था, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ये बॉल वाला प्रोबेबिलिटीज है, ये देखो, ये आपका वही कार्ड वाला क्वेश्चन जो अभी पहले बताया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आपका आता रहता है कि इरेशनल नंबर आपको छाटना है, तो यहाँ पे पाई जो होगा वो इरेशनल नंबर होता है हमेशा, ठीक है। ये देखो सर्कल वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये आपको प्रूव करना होता है इसमें, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला 4 चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल भी बताया था। देखो बुक, सारे बुक के क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम आएगा आपके पास। और ये सारे क्वेश्चन 2019 से 23 के बीच आए हैं, तो ये लगा लो अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए ना, तो यानी आपका 60 से 70% पेपर तो यहीं सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इतना इतना पढ़ लिया इसको, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।